बेंगलुरु एक्स बीबीएमपी चेयरमैन इमरान आरिफ पाशा ने इस बार कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपको महसूस होगा कि ये हकीकत में कौमी लीडर हैं जो किसी भी हाल में खासकर अपने मोमिन भाई की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बेंगलुरु से एक वाकया आपको सुना दें जिसमें इमरान आरिफ पाशा की बदौलत एक शख्स की जान बच गई है और पूरा परिवार इमरान आरिफ पाशा को आज दुआएं दे रहा है। दरअसल बेंगलुरु चंद्रा लेआउट के रहने वाले अफजल पाशा को पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट तासगांव में कुछ लोग रूम में बंद कर मारपीट कर रहे थे। इनके घर वालों ने परेशान हाल बेंगलुरु के कई बड़े लीडर से मदद की गुजारिश की पर कोई हल नहीं निकला और कुछ लोग अफजल पाशा को बचाने के लिए लाखों रुपया मांग रहे थे। ऐसे हालात में एक्स बीबीएमपी चेयरमैन जनाब इमरान आरिफ पाशा के इलाके बदरायनपुरा के अरफात नगर में अफजल पाशा के कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो इस मसले को इमरान आरिफ पाशा के सामने रख कर मदद की गुजारिश की थी। इस मौके पर अफजल पाशा ने इन पर हुए जुल्म की कहानी सुनाते हुए कहा, सांगली के व्यापारियों से ये अंगूर खरीद कर बांग्लादेश भेजने का काम किया करते थे। ये कारोबार उधार पर चलता है जिसमें सांगली डिस्ट्रिक्ट तासगांव के व्यापारियों से लगभग 5 करोड़ का अंगूर उधार लेकर अफजल पाशा ने बांग्लादेश भेज दिया था। इस कारोबार में बांग्लादेश से अफजल पाशा के साथ 1 करोड़ का धोखा हुआ है जिसमें सांगली डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों ने अफजल पाशा को पकड़कर एक रूम में बंद कर रोजाना बुरी तरह इनके साथ मारपीट कर रहे थे। पिछले 15 दिनों से हर रोज अफजल पाशा पर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा था कि इनका जिंदा बच पाना नामुमकिन लग रहा था। अफजल पाशा के परिवार वालों की हालत ऐसी थी कि सांगली जाने बस का किराया तक इनके पास नहीं था। अपने भाई को बचाने इनके पास जो कुछ था ये लोग सांगली के व्यापारियों को दे चुके थे। इमरान आरिफ पाशा ने जब पूरी कहानी सुनी तो फौरी तौर पर इन्होंने एक एक्शन टीम तैयार की जिसको सांगली जाने और वहां रहने से लेकर हर चीज के लिए अपना खुद का पैसा खर्च कर अफजल पाशा को उस कैद से रिहा करवाया है। इमरान आरिफ पाशा ने बताया ये अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद बेलगाम एसपी भीमाशंकर सर को कॉल कर इस जुल्म की डिटेल सुनाई तो एसपी भीमाशंकर सर ने महाराष्ट्र सांगली एसपी से बात कर लीगली इस मैटर को सॉल्व किया है। इमरान आरिफ पाशा ने इस मामले में जहां एसपी की जरूरत पड़ी वहां भीमाशंकर एसपी की मदद ली और जहां पैसे की जरूरत पड़ी वहां अपना खुद का पैसा खर्च किया और कानूनी दावपेच के लिए सांगली से एक एडवोकेट को भी हायर किया गया था। और साथ ही इमरान आरिफ पाशा के कहने पर महाराष्ट्र से ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की टीम ने भी इस काम में सपोर्ट किया है। इस मैटर में जिस तरह इमरान आरिफ पाशा ने काम किया है इसे सुनकर ये महसूस होता है कि आज भी इमरान आरिफ पाशा जैसे कौमी लीडर जिंदा हैं जो अपना वक्त और पैसा खर्च कर इस तरह किसी मजलूम की मदद करते हैं। परेशान हाल अफजल पाशा को सही सलामत वापस अपने घर लाने के अलावा इमरान आरिफ पाशा ने सांगली के व्यापारियों को भी भरोसा दिलाया कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। जिस तरह बेंगलुरु से सांगली तक अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर अफजल पाशा को रिहा कराया गया है उसी तरह इमरान आरिफ पाशा ने बांग्लादेश तक भी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर वहां फंसा व्यापारियों का पैसा वापस लाने का भरोसा दिलाया है। अफजल पाशा ने इस वीडियो में अपने साथ हुए जुल्म की तमाम डिटेल सुनाई है और इमरान आरिफ पाशा ने किस तरह इस मैटर को सॉल्व किया है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेरा नाम अफजल पाशा, मैं लाहर पड़ले से हूँ। मैं ताजगुँ महाराष्ट्र सांगली वहाँ पर अंगूर के व्यापार की वजह से गया था। तो व्यापार सब अच्छे से अच्छा चल रहा था, थोड़ा लेन देन की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे उधर कैद करके रखे थे। और मेरे वहाँ पर मैं किसानों से तो लेन देन में कुछ भी नहीं करा था, तो मैं लिया था माल व्यापारी से माल लिया था। तो व्यापारी क्या कर दिया मेरे ऊपर दला लिया, तुमेश लेको इंसोवर को बुला लिया। तो पूरे किसान क्या करे मुझे पकड़ लेको एक जगह आपको जंगल में एक रूम में कैद करके रखे थे। और मुझे मेरे ऊपर रात को पीलेगा को टॉर्चर करना, मारना तोड़ना ऐसा सब ये करे। और कोई बोलता दाढ़ी जला दो, कोई बोलता इसे छोड़ो ना को टुकड़े मार डालो ऐसा कर दो। मैं आज बेंगलुरु को आया, मैं ये हमारे इमरान भैया की वजह से मैं यहाँ आया। ये जी जी रमजान का मामला है। मेरे ऊपर जुल्म तकरीबन 15-16 दिन मेरे ऊपर बहुत जुल्म चलिया। मुझे खाना पानी कुछ ऐसा बहुत परेशानी, मुझे बहुत चीजें कोई नहीं था। और मैं बहुत जनों को वीडियो बना के मोबाइल से मेरे भाई को मैं डालता था, भाई ऐसा ऐसे हो गया है, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। बेंगलुरु के बड़े बड़े लीडर आए, इसे भी जाको जरा बात करको रहती क्या भी एक कर भाई कर को बोला था मैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो वहाँ जहाँ भी मेरा भाई जाता तो बात क्या आती, पैसे पूछते। तो उनके आदमियाँ रहती ना, अब उन्हें बोलते वहाँ बात करना तो मुझे कितने देती, 2 लाख दिया लो, 4 लाख दिया लो, काम करा को दिया तो ऐसा ऐसा सब करते थे। तो हमारे हमें पूरा तुड़िए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो में बना तो हमारे जमीर अहमद साहब को भी दलिया, लेकिन उन तक वो वीडियो पहुंचा नहीं पहुंचा वो मुझे मालूम नहीं। मैं मदद बहुत 3-4 वीडियो बना को मैं दलिया और मेरा भाई उधर उनके ऑफिस तक भी जाको है। तुम्हारी हालत क्या थी?
मेरी हालत उस टाइम पर बहुत खराब थी हालत, मुझे ये दाता ये सब पूरा मार को एक रहते है और यहाँ पूरा फसलियाँ को इधर सब पूरा मुझे बहुत जगह मारा पड़ गई। तो मैं बात करने की कंडीशन में नहीं था, तो मैं मेरे भाई से ये करने फिर मेरा भाई मुझे फोन करता, नहीं भाई हर आदमी पैसा पूछ रहा, मैं पैसे कहाँ से ले लेता हूँ, फिर वो बोल को बाद में फिर एक हमारे रिश्ते के भाव जी तो उन्होंने क्या करे सीधा आपको यहाँ 13 क्रॉस में जो हमारे कारपेंटर साहब जो गोरी पढ़ लेके इमरान पाशा साहब जो है उनके पास आपको उन्होंने क्या करे हमारे एरिया के मैं लायर पढ़ लेगा, मैं लायर पढ़ लेगा, लेकिन उन्होंने ये हैंग है उन्होंने क्या करे उन्होंने एक हमारा इमरान पाशा साहब ऐसा गरीबों को मदद करने वाले, मैं जाकर तुम्हारे वास्ते उनके पास में मदद पूछूं, फिर को बोल को उन्होंने यहाँ आए आको उन्होंने ऐसा ऐसा पूरा इमरान भैया से पूरा बोले, बोलने के बाद में तो उन्होंने इमरान भैया क्या करे पूरा समझ को जैसा करना क्या करना इमिडिएट काम करे ना बगैर पैसे कुछ भी नहीं, उनके खुद के पैसे कितने क्या किसे क्या दी पता नहीं, लेकिन फिर वहाँ यहाँ से एक टीम बना को मेरे भाई को हमारे इमरान भैया के जो अजीज भाई हैं इनको एक टीम बना को पूरा खर्चा पानी वहाँ रहने रोमा का खाने पीने हर चीज़ को कई पैसे अपने जाति रुपए डाल को इनको पूरा मदद करें और मुझे वहाँ से बड़े बड़े आदमी जो बेलगाम के जो एसपी साहब से वहाँ से कांटेक्ट करके पूरा ये सब इमरान भैया ही पूरा कांटेक्ट करा, यहाँ कोई पैसे नहीं पूछे उल्टा यहाँ जेब से पैसे डाल को हाथ के पैसे डाल को उल्टा ये करको भेजे और अभी भी बोल रही जो मेरा सेटलमेंट करको मैं जो वहां से इतने पैसे इतने लाख देना करको बोली तो अभी भी मैं भैया के भैया बोले जो भी होता मैं करता हूँ तो मैं क्या भी ये करो ना करता हूँ, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं बहुत तकलीफ में भी हूँ, मैं इस वक्त जो भी मेरी हालत थी वो हालत के ऊपर भैया को मालूम हुआ और भैया उनके हाथ से जो भी करी मेरे वास्ते एक ये बहुत बढ़िया ये मुझे और अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद ये जो जिंदगी मिली है ये मुझे इमरान भैया की वजह से मिली, नहीं नहीं मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं बीच में क्या करया अजीज भाई आने से पहले मेरा भाई एक बार आको गया था, उससे पहले भी एक बार आको गया था, दो बार आको फेल होको गया मेरा भाई तो दो से तीन बार, जब मैं सोचा नहीं होता अब ये कैसा भी मुझे मारती जान से कर को बोल को क्योंकि तो वहां पर हथियार मेरे सामने थे और वो ओपन बोलते थे उन्होंने पीसा बना को ले ले जाको तुझे एक काम भी दफना वाले तो भी अपना कौन भी पूछते नहीं, बचाने वाले कोई नहीं आया उधर मेरे वास्ते कोई नहीं आया, क्यों क्यों बोले तो चेहरे पे मेरी सुन्नत थी, चेहरे पे मेरी सुन्नत थी तो उस वजह से बहुत हेवी टॉर्चर भी हुआ मेरे ऊपर, तो मैं उनको कुछ भी बोला तो बोले तो मार खाना, तो मेरा भाई जब आया तब मैं अपने आप को सोच लिया तो उधर जो जगह पे थोड़े मेरी बैग में थोड़े मात्रे थे अलग अलग और भी थोड़े वो जगह पे दवाई होती है ना मेडिकल में वो दवाई थी वो सारा मैं क्या किया तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके एक पेपर में लपट के एक जगह पे रखा था, जो वक्त आ गया है मेरा अभी जाने का, ये रमजान का महीना है और मैं ऐसे भी मरूंगा वैसे भी मरूंगा, अभी मैं मेरी जिंदगी से मैं हार चुका था, जब मेरा भाई आया तो मैं इसे जब जैसा मैं उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम ये बॉडी तो भी घर को चले जाते घर को बोल को मेरे भाई को दे गया, भाई मुझे निकालता क्या गया, इन्हें भी मेरा भाई बोला मेरे हाथ से नहीं होता भाई मुझे माफ कर डालो सगे भाई मेरा भाई आदिल मुझे माफ कर डालो, मैं बहुत जगह गया गिड़गिड़ाया कौन भी मदद करने तैयार नहीं, घर को मेरा भाई भी वो पोजिशन पर था वहाँ आदमियाँ बहुत थे और उसे भी बिठा लेने के वास्ते रेडी से थे, तो मैं क्या करया जो भी दवाइयाँ थे मेरे पास पूरे उठाया खोलिया खा ले को पानी पी लिया, फिर भी अल्लाह की मर्जी क्या है अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदगी यानी मैं दवाई खाने के बाद मुझे थोड़ा सुस्त बॉडी एकदम पूरे ढीली पड़ी, तो फिर उन्होंने लोग क्या करे ले गया कहाँ हुई ऐसा मर्डर केस होता है वो बोल को फिर हॉस्पिटल को लेको जाको फिर ले को आए, उसके बाद में मेरे भाई को पकड़ लो इन्हें कहते भी एक करता घर को बोल को इसे ये करे
मैं इसे इशारा करके वहां से भेज डाला, तो मेरा अभी वहां से चलेगा। जाने के बाद तो फिर थाने को मुझे नहीं ना, मेरा भाई मेरा थाने के पास गया तो वो क्या बोले, वो एनसीआर, वो एनसीआर ही ने कराया तो पुलिस आई। आने को फिर मुझे वहां से हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को ले गए, जाने में क्या किस्सा है ऐसा ऐसा बात करे। फिर उन्हें भी वहां भी जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने क्या बोले, ठीक है तो अब जाना तो जा, छक्कान देदाल को जा कर को बोले। तो मैं छक देदाल देने के वास्ते भी तैयार था, तो फिर रात को मुझे फिर उन्होंने बोले छक्कान देदाल को जा, लेकिन इन्होंने क्या करे फिर मुझे ले लेगा को वोच गोल्डन में बंद कर डाला। फिर बंद कर डाल को न्यूज पेपर वो हमारे अंगूर के बड़े बड़े बंडला बंडला रहती वो सारे अंदर डाल दो, और किरेट से जो प्लास्टिक के किरेट आती ना वो डाल को अंदर लगा डाल दो, मेरे को बोल को ऐसा बातें कर लेते। उस टाइम को मैं फिर एक वीडियो बनाया, वीडियो बना को छोड़ा मुझे बचाओ, मैं बहुत ये हूँ घर को बोल को, वो वीडियो सारे मैं आपको दिखाऊंगा और दिन और डेट के साथ में वीडियो से वो सारे। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा भी मेरे ऊपर ये करे नहीं, बाद में ये फिर यहाँ पर आके मदद मांगने से हमारा इमरान भैया मुझे निकाले। अगर इमरान पाशा साहब की मदद आपको नहीं मिलती तो आपके ऊपर हालात नहीं, मैं जिंदा नहीं आता था साहब, खुदा की कसम, अल्लाह रसूल के कसम का को बोल रहा हूँ मैं, ये जिंदगी ये इमरान भैया की दी हुई जिंदगी, मैं मुझे बहुत इससे मुझे उन्होंने बचा बचाए, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे ही मुझे उन्होंने दोबारा जिंदगी दी। सो भैया जी बताए सर क्या मामला पेश आया आपकी के वार्ड के इलाके के रहने वालों को, अदर स्टेट में बहुत ही दर्दनाक तकलीफ की गई, इसमें जो है आपने उनको एक मसीहा बनकर जो है उसकी मदद फरमाई है, तो क्या पूरा मामला है, क्या वाकया पेश आया है? एक्चुअली हुआ ऐसा कि पिछले हफ्ते एक वीक पहले हमारे हल्के में वार्ड में रहने वाले कुछ लोग मेरे पास अप्रोच हुए, अप्रोच होकर के बताए कि हमारे जो भाई हैं हमारे बहनों ही है तो इनको महाराष्ट्र में जबरदस्ती किडनैप कर रख लिया है और इनको मारा पीटा जा रहा है और इनको बुरी बुरी ऐसी हालत इनकी करके रखी है कि हम कुछ बता नहीं सकते, आप ही वीडियो देख लीजिए कि किस हालत से ये गुजर रहे हैं। मैं बोला क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या किया है? तो जैसे ही वो बोले कि नहीं हमारे जो भाई हैं ये जो है एक बिजनेसमैन है, ये सांगली में महाराष्ट्र सांगली में जो है बिजनेस के सिलसिले में ग्रेप्स अंगूर आता ना, तो अंगूर जो है वो दो तीन व्यापारी लोगों से खरीद कर बांग्लादेश भेज रहे थे, 4-5-6 करोड़ का कुछ इन्होंने धंधा किया, टर्नओवर किया, कर्ज लेकर उधार लेकर कुछ व्यापारी जो है उधार पर माल लेते हैं और सामने भेजकर पैसा देते हैं। वो इनका बैड लक क्या हो गया अफजल भाई का, इनका नाम अफजल भाई, तो इन्होंने जो व्यापार किया बिजनेस किया पूरा पैसा उधर आने का जो था 1 करोड़ रुपीस 4-5 करोड़ में 1 करोड़ रुपए के खरीब कुछ उन्होंने बांग्लादेश वाले टिका दिए। अब जैसा बांग्लादेश वाले 1 करोड़ रुपए टिका दिए तो इनको पकड़ के उधर किडनैप करके रख लिया, मारा तोड़ा आ गया, बहुत बुरी तरह से इनके साथ पेश आए, जो कि ये नॉलेज में मेरे आया जैसा ही मेरे नोटिस में आया तो मैं इमिडिएटली मेरे जो सोर्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में मैंने सब सभी को रابطہ किया, उसमें एक बेहतरीन सोर्स जो था वो लीगली जाने का, तो मैंने हमारे बेलगाम के एसपी जो है भीमा शंकर गुलेट साहब को कांटेक्ट किया, रابطہ किया, तो उनसे बात की, उनसे बात कर देखो आप कर्नाटक के बॉर्डर में एसपी बैठे हो, अभी आप ही के बाजू में बॉर्डर में महाराष्ट्र में सांगली आता है, सांगली और तासगांव, तासगांव में जो है हमारे कर्नाटका के बेंगलुरु के एक व्यापारी को इन्होंने किडनैप करके रखा है, इनको इलीगली टॉर्चर दे रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इनके साथ पेश आ रहे हैं, हर दिन जो है इनको मार रहे हैं, आप इसके लिए कुछ करो। तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया,
तो सांगली के एसपी से बात की है, सांगली के एसपी से बात करके फिर मुझसे बात किए तो बोले कि आप किसी को यहाँ से बेंगलुरु से भेजिए, मैंने सारा बंदोबस्त किया है, फिर से हम जो है उनको जाने दो, जाकर वहाँ से वापस प्रोसीड कर लीगली आने दो करके। तो ठीक है बोल के हम लोग जो है, मैं यहाँ से हमारी एक टीम को तैयार कर हमारे दोस्त अजीज़ को डालकर और उनके भाई लोग थे तीन, इन सभी को मैंने भेजा। जैसे ये लोग यहाँ से रवाना होकर गए, अब जैसा गए एसपी ऑफिस में रब्ता किया, डीएसपी बोला, और वो जाने के पहले मैंने एक एडवोकेट को भी अपॉइंट किया था, लायर को भी अपॉइंट किया था, ताकि कोई लीगल में कमी ना हो। टेक्निकली जो भी कानून के दायरे में अभी लेना देना तो रहता है इंसान का, अभी गलती इनकी नहीं है, आगे वाला पैसा रोक दिया बांग्लादेश वाला, तो इसमें इनकी गलती किधर है? तो ये जो भी पेश आ रहे हैं ये गलत है। तो इसलिए फिर एडवोकेट हमारा पहुंचा, एडवोकेट के साथ हमारी टीम गई, तो एसपी ऑफिस में डीएसपी मिले, एसपी नहीं थे तो डीएसपी मिलकर पुलिस स्टेशन में बोला, जाओ आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में, मैंने बोल रखी है। तो जैसे ही ये लोग पुलिस स्टेशन के तरफ जाते हैं, पुलिस स्टेशन अप्रोच होने से पहले उधर पुलिस स्टेशन के सामने ही 50 लोग से भी ज्यादा उधर आकर रोपदारी कर गुंडागर्दी कर पुलिस के सामने ही जो इनको छुड़ाने गए थे उनको भी पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो मुझे फोन आता है कि ऐसा देखो, आप बोले हम जाने के लिए, हम इधर आए तो अभी हमको भी पकड़ लिया। बोला आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखो, भरोसा रखो, आप जो है थोड़ा डिप्लोमेटिकली उनके साथ पेश आओ, आपके साथ कुछ नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको मैं सही सलामत उधर से निकालता हूँ। फिर मैंने एसपी साहब से बात किया, फिर अजीज से बात किया, तो दोनों को मैं बात करके फिर से ऐसा हो रहा है करके, आप जो है थोड़ा हिकमत से उनसे बात करो, बराबर नहीं, हिकमत से पेश आओ, हम जो आए हैं यहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आए हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये जो सलीका है ये गलत है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं तो इसके ऊपर हमको अलग टाइप का, हमको भी कानून मालूम है, एक्सट्रॉशन का, किडनैपिंग का चार्जेस हम भी लगा सकते हैं, अभी ये नहीं करना है, अभी जो हमारे आदमी उधर बंद है उनको रिहा करो, और जो तीन आदमी चार आदमी जो फिर से गए थे लेके आने के लिए उनको वापस लाओ। फिर एसपी उधर बात करके, फिर एसपी डीएसपी को डायरेक्शन देके, इंस्पेक्टर जो भी उधर गुंडागर्दी कर रहे थे, जो गलत तरीके से पेश आ रहे थे, तो उन लोग को बोला जो भी तुम लोग अभी यहाँ से लोगों को उठा के लेके गए, वापस तुम लोग नहीं ला के छोड़ेंगे तो तुम्हारा एनकाउंटर निकलेगा, ऐसा करके एसपी ने डायरेक्शन दिया। फिर वो जो चार लोग बेंगलोर से गए थे उनको भी रिहा कर दिया। फिर अगले दिन अफजल भाई को, तो इनका ही मेन मसला था, तो इनके साथ बातचीत करके फिर हमारे अजीज मुझे बात करवाए, तो जो भी वहाँ का, वहाँ के मुखिया था, वहाँ के जो लीडर और वहाँ के जो पार्षद, नहीं पार्षद, हाँ वो ताजगांव का, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने बात करके मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई जो भी हुआ वो चलो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसी इंसान को जानवर की तरह पेश आएंगे, ऐसा नहीं करना है, ये जो भी है गलत है, तुम्हारे लिए कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करके देंगे, आप बस जो भी हमारे लोग हैं उनको कर्नाटका बेंगलुरु वापस भेजो, अगर आप हमारी लोगों को रिलीज कर हमारी बात को अगर आप इज्जत दे रहे हो तो हम भी ठीक बराबर से तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा जो प्रॉब्लम हुआ है बांग्लादेश वालों से बात करके, बांग्लादेश में जो भी आपका पैसा रोक कर रखा है, मैं जैसा हमारी टीम यहाँ से बेंगलुरु से गोरी पाड़िया पादरीनपुरा से महाराष्ट्र सांगली को भेजा, ऐसे ही बांग्लादेश को भी भेजूंगा आप लोग का हक मिलने के लिए, ये भी मैं करूंगा, बस मुझे आप ट्रस्ट कर मेरे लोग जो भी है बेंगलुरु से यहाँ आपकी कैद में बंद है इनको तुम रिहा करो। तो अल्लाह ने उसको हिदायत दी और हमारे अजीज की बहुत बड़ी मेहनत रही, अपनी जान पर खेलकर, शायद ही सबके बस में बस की बात नहीं है जो स्टोरी वो लोग इनके भाई आदिल और उनके घर वाले फैमिली वाले बता रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे, ये सब देखकर जाना बोले तो, मैंने तो बस फोन पर
जो भी हैंडल करना था वो मैंने फोन पर काम किया। फिजिकली जो है हमारे अजीज की मेहनत रही, फिजिकली अपनी जान पर खेलकर जाकर अफजल साहब को बचाकर बुलाकर सही सलामत लेके आए। इसमें हमारे एसपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भीमाशंकर गुलेट साहब का, और सांगली के एसपी उनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से अमन से ये लोग वापस आए, ठीक उसी तरह से जो भी हर्डल्स है, जो भी इनकन्वीनियंस होकर है बेंगलोर और सांगली महाराष्ट्र के बीच में, तो इसको इंशाल्लाह जितना जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सॉल्व करें। आगे किसी को भी ऐसा कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी कहीं पर भी इस तरह से जाकर ना फंसे। आप जो भी बिजनेस करते काम करते देख दिखा कर काम करना चाहिए आगे वाला आदमी कौन सा है, क्योंकि ठगों का जमाना चल रहा है, रहता कुछ बोलते कुछ है। तो इसकी वजह से कैसे कैसे कि बड़े बड़े लोग धोखा खाते हैं, हमें भी धोखा खा, अन्नाज करोड़ों रुपए देना करोड़ों रुपए आना गुमराह हुआ थी। तो ऐसा अगले बार अब जब हम काम करेंगे तो होश आवाज से हालात को समझकर आगे वालों को समझकर काम करेंगे। मैं बस आप लोगों के चैनल के जरिए से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अगर चाहते तो जिस किसी से भी काम ले सकते थे, जैसा कि हमारा आदिल भाई बताए, भाई मैं कहीं कहीं गया, बहुत सारी जगह पे गया आपके पास आने के पहले, लेकिन सब लोगों का एक ही डिमांड था। कोई 2 लाख मांग रहा था, कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 3 लाख मांग रहा था, इतना खर्चा आएगा, कोई इतना लाख दो, उतना लाख दो। बात करने से पहले पैसों की बात करते थे, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास बस की टिकट को पैसा नहीं है, हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, अब हम यहाँ से महाराष्ट्र की टिकट खरीद ना बोले तो भी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई उधर बंद है। जो कुछ भी था हमारे पास पूरा पोछ पाछ कर हमने उन लोगों के हैंडओवर कर दिया है। अभी तो बस अल्लाह है, उसके बाद में अल्लाह के भरोसे मैं आप लोगों के ऑफिस में आया हूँ। आप हमारा हाथ पकड़िए करके बोल के हमारे आदिल भाई करेक्ट गए भाई, तो मैं मेरे सरफाई खास से मैं बोलना ठीक नहीं, वो उन्होंने बोले फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी खर्च था मैं बोला ये कृपा खर्चा करने की जरूरत नहीं, यहाँ से जाने वहां रहने होटल में सोने खाने पीने जितना भी खर्चा आएगा, मैं हमारे भाई को अजीज को बोल दिया कि जितना भी खर्चा आएगा तुम करो बोल के मैं इनको पैसा दिया। जाने का आने का और वापस आने तक इन लोग मजबूर है, परेशान हाल है, इनको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बोलकर अल्लाह जो मुझे दिया, मैं बहुत छोटा आदमी छोटा मेरी सोच बड़ी, मेरी ताकत कम, मेरे अल्लाह की ताकत बड़ी। मैं ये सोच को हर काम जो है कौन तभी कैसी तभी तकलीफ ले ले पा जाता है, पहाड़ सिर पर ढोले है कना, पहाड़ सिर पर ढोलक है, मैं नहीं कर को नहीं बोलता, अल्लाह की उम्मीद से अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, उसके बाजू आको हाथ देता हूँ पहाड़ को खड़े रहता हूँ, भले मैं कुचले जाऊंगी मर जाऊंगी, जाना तो सबको एक दिन है ना, कभी भी कौन सा भी टाइम किसी का भी कायम नहीं रहा, अच्छा टाइम भी नहीं रहा और बुरा टाइम भी अल्लाह नहीं रखते। तो इसलिए हमारा ईमान जो है अल्लाह से स्ट्रांग रहना, ये जिंदगी जो है ये सफर है, यहाँ हमें ट्रैवलिंग में ही सो महाराष्ट्र जाके नहीं, तुम्हें सांगली जाके नहीं कीजिए 1 से 2-3 बार, तो ऐसा क्या है हमारा जो है दुनिया में अल्लाह हमारा एक सफर के लिए भेजा है, यहाँ अच्छे काम करने के लिए भेजा है, हमारे जो अमल है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारा जो भी एसेट है, वो एसेट जो है नेकियों का एसेट है, अच्छे अमल करना वो एसेट हमारा। कोई गरीब भाई, कोई मजलूम भाई तकलीफ में है, परेशान में है, जैसा कि अफजल पाशा साहब परेशान थे, तो ऐसे शख्सियतों के वास्ते जो मजलूमा है, तो इनके वास्ते हमें खड़े होना, ये हमारी जो है अमाल और ये हमारी दौलत और ये चीजों से जो है अल्लाह ताला जो है हमारी आखिरत बनाते सो है कि नहीं। तो हमारा सफर यहाँ हमें है ट्रैवलिंग में ही सो
सब जने एक दिन जाना, अब कल मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल होगा, कहीं सा लाइफ करे उन्होंने, हाँ है कि नहीं, एमएलए बने, एमपी बने और बहुत सारा उनका हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा नाम पॉलिटिकल और हमारे मुसलमान भाइयों के वास्ते एक शान थे। तो ऐसा कोई चीज रहने की नहीं है, सब फना होकर जाने की चीज है, लेकिन हमें जमीन पर जब तक है चार के वास्ते जीना, अपने वास्ते कुत्ता भी जीता है, अपने वास्ते कुत्ता भी जीता है, औरों के वास्ते जीना। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता को सो, हमारी जिंदगी जो है सबको जोड़ को जीने की जिंदगी, सबको लेकर चलने की जिंदगी, अच्छे काम करने की जिंदगी हमारी। नबी हमने वो रास्ता दिखा को सो, हमें जितना हो सके 100% तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करी, कुछ तो उनके अच्छे नेकियां, कुछ तो उनके सुन्नता हमें फॉलो कर को, अच्छे काम कर को, इंशाल्लाह जब तक ये जमीन पर ही दुनिया में ही चले जाएंगे, अच्छे काम कर को, है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ये काम जो है इसका क्रेडिट जो है मेरे अल्लाह और रब्बुल इज्जत कुछ जाता सो की बोले तो, अल्लाह किससे काम लेना, कब काम लेना, कैसा काम लेना, ये अल्लाह से छो सकता सो। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुझ जैसे एक छोटे शख्सियत के हाथ से इतना बड़ा काम लिया कर को वास्ते बांग्लादेश को। अब वो बात करिए समय बांग्लादेश को बात कर को, जो बांग्लादेश का पार्टी पैसे देना है उसे कन्विंस कर को, उसे उन्हें कह के और माल भेजो, मैं कह के करता हूँ कर को, किधर की बोले आगत है उसके वास्ते इन लोग जो भी इन बिजनेस कर को ही, तो उनके उनके साथ एक और बार डिस्कशन कर को सबानी परसों दो दिन में इंशाल्लाह हो सके तो। अब जैसा मैं महाराष्ट्र सांगली को भेजा, बांग्लादेश को भी इंशाल्लाह इनको हमारे एक आदमी को डाल को मैं बांग्लादेश को भी भेजता हूँ, बांग्लादेश में भी उसे बात कर को, जो भी तू हमारा आदमी का रुका लिया, क्या बोला रुका लिया, उनका हक तू दे कर को बोल को, इंशाल्लाह मैं लेने की पूरी पूरी कोशिश कर दू और अल्लाह मेरा मुझे उसमें मदद करता। और मैं कौन सा भी काम करें दे कांते भी कौन तभी पैसे पूछे ने कांते भी कोसे थे भी एक इसमें ये मामला नहीं, दूसरे बहुत सारे मामले में अल्लाह मुझे चार जने को दे को खुद से खर्च कर को काम करने का अल्लाह मुझे मौका दे को है सो, ना के बल्कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशन रख को कुछ काम करतूं करके। ये तो अल्लाह के फजल से गौरी पल्यानी बेंगलोर कर्नाटका के लोगों को मालूम है, इमरान बोले तो एक हाथ से दाल को करने वाला बच्चा भाई ने कने का एक जो यकीन विश्वास एक भरोसा जो अल्लाह लोगों के दिला में देखो ही, तो उसके वास्ते मैं कितनी अल्लाह की शुक्र अदा करया तो भी कम।